सौवें एपिसोड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस देश में क्या क्या फायदे हुए मन की बात से। इसलिए पूरे देश के निर्माण की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी बेटियों को पढ़ाने के लिए चिंतित हैं और लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। के जिसको विरोध करना है वो करते रहे, उनका भी स्वागत है। विरोध तो लोकतंत्र में होगा ही, लेकिन भारत के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को बढ़ाते रहे। अपने काम नहीं करते हैं तो दूसरे को भी सोचते हैं कि काम नहीं कर। आप पूरे देश में यदि आज काम दिख रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 100वां एपिसोड है और पूरे देश में 100वें एपिसोड को बीजेपी के कार्यकर्ता सुन रहे हैं। वहीं पे बिहार में भी तमाम जो नेता हैं वो सुन रहे थे। लेकिन इसी बीच जब सम्राट चौधरी से बातचीत की गई, जिस तरह से बिहार में विरोध किया जा रहा है इसको लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विरोध करने वाले को करने दीजिए। वहीं उन्होंने कहा है कि जो लोग काम की बात कर रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि काम की क्या क्या काम हुई है। वहीं पे जो है नीतीश और तेजस्वी पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि एक तो 15 साल रहे और दूसरे 18 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे देश के प्रधानमंत्री जमीन मांगते हैं अस्पताल बनाने के लिए, तो उनके पास जमीन ही नहीं है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। 100वें एपिसोड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस देश में क्या क्या फायदे हुए मन की बात से। कश्मीर के व्यापारी के बारे में बताया कि जिनके पास जो एकदम अनभिज्ञ थे दुनिया से, उनके साथ आज सैकड़ों के लोग संख्या में खड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट की बहन के बारे में बताया जिनके साथ हजारों लोग जुटकर अब दुनिया ग्लोबल स्तर पर मार्केटिंग में चली गई है। इसलिए पूरे देश के निर्माण की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे और मन की बात में लगातार देश के प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक कैसे भारत बढ़े, इस पर चर्चा की है। बेटी को किस तरह मुख्य धारा में लाना है, सेल्फी लेने वाले व्यक्ति को कैसे जोड़ा गया, ये भी आप लोगों ने सुना और देखा कि प्रधानमंत्री जी बेटियों को पढ़ाने के लिए चिंतित हैं और लगातार ये देश श्रेष्ठ बने, यही पूरी चिंता मन की बात में पहले भी करते रहे और आज भी 100वें एपिसोड में करते रहे। के जिसको विरोध करना है वो करते रहे, उनका भी स्वागत है। विरोध तो लोकतंत्र में होगा ही, लेकिन भारत के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को बढ़ाते रहे। कह रहे हैं कि मन की बात तो करते हैं, काम की बात करते हैं। काम की बात काम की बात मतलब जिसको जानकारी नहीं है अब उस पर क्या बोलिएगा। जिन लोगों को 15 साल राज करने का मौका मिला और किसी को 18 साल से मुख्यमंत्री है, उनको जब कुछ बोल करना ही नहीं है तो वो दूसरे को इसी तरह कहेंगे। वो तो अपने काम नहीं करते हैं तो दूसरे को भी सोचते हैं कि काम नहीं कर। आप पूरे देश में यदि आज काम दिख रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का दिख रहा है। बिहार की सरकार तो जमीन भी नहीं दे सकती है, इनको नैतिक अधिकार नहीं है कि किसी चीज पर बोल सके। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।